ले भाई, ये होता है बढ़िया वर्कआउट करने का नतीजा, लास्ट एक्सरसाइज से लगी नहीं रही है। So I've come to the conclusion, just a rotten piece of fruit. So I'll end up dying slowly, rotting away. तो भाई जो मैंने अभी गोली ली है वो मैंने एल-कार्निटाइन ली है। एल-कार्निटाइन मैं हमेशा फैट लॉस के टाइम पे लेता हूँ, जब मेरे को एकदम प्रॉपर श्रेडिंग करनी होती है ना, तो उस टाइम पे मैं एल-कार्निटाइन लेता हूँ। फाइनली फैट ग्रिप आ चुकी है मेरी, जो कि बहुत जरूरी थी मेरे लिए, और मैं दिखा देता हूँ फैट ग्रिप होती है। तो ये है भाई फैट ग्रिप जो मैंने मंगवाई है अमेज़ॉन से। और फैट ग्रिप का काम क्या होता है कि जब आप किसी रोड को पकड़ते हो ना, वो आपका जो बारबेल होती है वो इतने हिस्से में आती है, ठीक है। तो बाइसेप्स पे जो मसल टेंशन पड़ती है ना वो नॉर्मल होती है, बट वहीं पर जब आप बारबेल में जब इसको लगा दोगे तो देख रहे हो कितना चौड़ा हो जाएगा। तो जिसको तगड़े और बड़े बाइसेप्स चाहिए तो उसके लिए ये फैट ग्रिप बहुत जरूरी है। ये मिक्सचर है तीन चीजों का, अनार, पाइनएप्पल और संतरा। तो मजा आ जाता है मेरे को पी के, और एक कोकोनट वाटर जो मैं जरूर पीता हूँ। तो गाइस देख सकते हो ये पैनकेक्स बन गए हैं, कितने बढ़िया लग रहे हैं। और मसल बिल्डिंग के लिए सबसे बेस्ट ब्रेकफास्ट मेरे को लगा अभी तक, क्योंकि पहले मैं लेता था खाली ओट्स, अलग से मैं प्रोटीन पीता था, अलग से मैं अंडे खाता था। अब मैं पैनकेक्स बनाता हूँ जो कि मम्मी बनाती है, पहले मैं खुद बनाता था, अब मैंने मम्मी को सिखा दिया है। तो पैनकेक्स का फ़ायदा क्या है, इसमें प्रोटीन भी डाला हुआ मैंने एक स्कूप, इसमें मैंने केला भी डाला हुआ है कार्बोहाइड्रेट के लिए, इसमें मैंने ओट्स भी डाले हुए हैं, इसमें मैंने अंडे भी डाले हुए हैं। तो ये सारी चीज़ों को मिला के पैनकेक्स बनते हैं। तो मसल बिल्डिंग के लिए सबसे बेस्ट ब्रेकफास्ट है पैनकेक्स। So I've come to the conclusion, just a rotten piece of. तो गाइस अब बारी है प्री वर्कआउट मील की। मैं प्री वर्कआउट मील में क्या लेता हूँ वो आप लोगों को दिखाता हूँ। 25 मिनट पहले लेता हूँ मैं एक स्कूप प्रोटीन, क्योंकि मैं ज्यादा हैवी नहीं खाना चाहता। अगर आप ज्यादा हैवी मील ले लोगे प्री वर्कआउट में तो आप अच्छे से वर्कआउट नहीं कर पाओगे, ब्लोटिंग फील होगी आपको, पेट भरा भरा लगेगा। आपका पेट एकदम हल्का होना चाहिए, एकदम खाली फील होना चाहिए आपको, और आपका जो एनर्जी लेवल है वो पूरा होना चाहिए, एकदम मैक्सिमम होना चाहिए। तो 25 मिनट पहले लेता हूँ मैं एक स्कूप प्रोटीन। तो यहाँ पर मैं ये ले रहा हूँ कोर वन न्यूट्रिशन का आइसोवे, कैफे लाटे प्रोटीन है, जिसके एक स्कूप में आपको मिलता है 25 ग्राम प्रोटीन, 5 ग्राम BCAA और 12 ग्राम EAA। आइसो प्रोटीन वे प्रोटीन कंसेंट्रेट से बहुत अलग होता है, ये हाई क्वालिटी प्रोटीन है। कंसेंट्रेट प्रोटीन की जब हम फिल्ट्रेशन करते हैं तो आइसो बनता है, तो ये सबसे टॉप क्वालिटी प्रोटीन है जो मैं यूज करता हूँ। क्योंकि अगर आपको बढ़िया क्वालिटी की बॉडी बनानी है तो आपको बढ़िया क्वालिटी का बॉडी को न्यूट्रिशन भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं अपना प्रोटीन खोल लेता हूँ। और वर्कआउट करते वक्त मैं ले रहा हूँ ये BCAA। पानी आप कितना भी मिला सकते हो, अगर आप चाहते हो आधा लीटर पानी पूरा मिला सकते हो, मैं इसको पूरा भर रहा हूँ यहाँ पर। इंट्रा वर्कआउट मेरा रेडी हो गया है, जो मैं ड्यूरिंग वर्कआउट अपना ये कोर वन न्यूट्रिशन का BCAA पीऊंगा। तो गाइस दिवाली आने वाली है और आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया ऑफर है, कोर वन न्यूट्रिशन का पूरा सप्लीमेंट स्टैक आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ
4,887 रुपए में, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके खरीद लो। ये कोर वन न्यूट्रिशन का सारा स्टैक जिसमें आपको क्या क्या मिल रहा है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो स्टैक में आपको मिलेगा कोर वन न्यूट्रिशन का आइसोवे, स्टैक में आपको मिलेगा प्रोबन, और साथ में आपको मिलेगा ये BCAA, और साथ ही साथ गाइज ये चीज कोर वन न्यूट्रिशन का पीनट बटर। तो दो ब्राउन ब्रेड या दो मल्टीग्रेन ब्रेड या दो होल व्हीट ब्रेड को दो स्कूप पीनट बटर में लगा के आप प्री वर्कआउट मील ले सकते हो। वर्कआउट करने से 25 मिनट पहले आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। तो गाइस ये पूरा स्टैक आपको मिल रहा है 4,887 रुपए में। और अगर आप अलग अलग भी सप्लीमेंट खरीदना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग खरीदना चाहते होंगे एक बढ़िया प्रोटीन, तो आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है ये कोर वन न्यूट्रिशन का आइसोवे खरीदो। पीनट बटर सबसे बेस्ट चीज है बॉडी बिल्डिंग में, जो कि बजट के अंदर भी आता है और सबके लिए जरूरी भी है। तो पीनट बटर ये बहुत बढ़िया और 100% नेचुरल पीनट बटर है। तो आज से भाई तेरी बढ़िया बॉडी स्टार्ट बननी। और जिम जाने का रास्ता गाइस ये है, बहुत जल्दी जिम पहुंच जाते हैं। यहां से ऊपर गए और मेरा जिम आ गया ऊपर जाते ही। ये गाइस मेरा जिम, मेरा पर्सनल जिम जहां पर मैं वर्कआउट करता हूं। एक खुली छत और ये है मेरा पूरा जिम का सामान। ये सारी प्लेट 10-10 किलो की है, ये 5 किलो की है, और मेरे पास हर किलो के डंबल है। यहाँ पर 5 किलो से स्टार्ट होते हैं, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, 25 किलो। ये एब रोलर है एब्स के लिए, ये मैट है क्योंकि एब्स की वर्कआउट मैं मैट पे करता हूँ। ये एक ओलंपिक रोड है और एक ये नॉर्मल बारबेल रोड है। तो ये है मेरा पूरा पर्सनल जिम का सामान, और वो बेंच है जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ है। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो खुद से पूछो, वर्कआउट आप भी करते हो ठीक है, आपकी बॉडी क्यों नहीं बनती है? क्योंकि आपने कभी इस तरीके से वर्कआउट किया ही नहीं जो बॉडी बनाने के लिए ज़रूरी होता है। अगर मैं बात करूँ अपने भाई की, ठीक है, इसे सारी एक्सरसाइज करनी आती है, बट इसकी बॉडी क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि सिर्फ एक्सरसाइज आना, कितने सेट मारे, कितने रैप मारे, वही बहुत नहीं है एक बॉडी बनाने के लिए। तो आज मैं इसका वर्कआउट कराऊंगा जो एक बढ़िया बॉडी बनाने के लिए ज़रूरी होता है। आज हम कर रहे हैं चेस्ट वर्कआउट, और जो यहाँ पर शोर आ रहा है ना उसे इग्नोर करना, क्योंकि यहाँ पर ये रोड देख रहे हो ना, ये रोड से लोग आते जाते रहते हैं, तो सबको आदत है पी 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 करने की, ठीक है। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना है यार, देखो आपकी बॉडी क्यों नहीं बन रही है? आप भी बढ़िया वर्कआउट कर रहे हो, बट आपको लगता है ना कि आपके लिए बढ़िया वर्कआउट वो है। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा जो लोग बॉडी बनाना चाहते हैं उनको वर्कआउट कैसे करना चाहिए, और आज इसकी हालत होने वाली है ख़राब, ये मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि इसने आज तक वर्कआउट अच्छे से की है, ठीक है। वर्कआउट ये करता है, अच्छी एक्सरसाइज करता है, बट नहीं है इतना बहुत अगर बढ़िया बॉडी बनानी है। बढ़िया बॉडी बनाने के लिए आपको एक नेक्स्ट लेवल वर्कआउट करना पड़ता है, ताकि आपकी मसल पेन करे, आपकी मसल को फील हो। बहुत सारे लोग पूछते कितने रेपिटेशन मारे, कितना वेट उठाए। जब तक आपको फील नहीं होता ना जिस पार्ट की आप एक्सरसाइज कर रहे हो कि एकदम आग लग गई है उस पार्ट में, तब तक वर्कआउट करो। ये भाई 1 लेग स्क्वाट मारने की कोशिश, वाह वाह वाह, देख रहे हो? बस बस बस, बहुत मार लिए। आज हम करने वाले हैं चेस्ट वर्कआउट। चेस्ट वर्कआउट में वार्म अप कैसे होता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या करें, एक हल्का वेट ले। फॉर एग्जांपल आप पुशअप से स्टार्ट कर सकते हो, वो बॉडी वेट एक्सरसाइज है, या आप हल्का वेट ले सकते हो। जैसे आप अगर आप जैसे डंबल प्रेस लगाते हो, बारबेल प्रेसेस लगाते हो, हल्के वेट से लेके 3 सेट आप बढ़िया से निकालो, जितनी ज़्यादा रेपिटेशन हो सके मारो, ताकि आपकी जो चेस्ट है, जैसे आज हम चेस्ट वर्कआउट कर रहे हैं, तो चेस्ट आपकी अच्छे से पंप हो जाए, ताकि उसमें कोई इंजरी ना हो। आप डायरेक्ट ज़्यादा वेट उठा लोगे क्या होगा, इंजरी हो जाएगी। Strike me thunder.
कमर सीधी, हाँ लेट, दोबारा बैठ। देख डंबल क्यों कर ठाया करे हमेशा, ना ध्यान रख डंबल नीचे रख, उठा। अब अपने गोड्डा पर रख, डायरेक्ट रख लिए, और इन दोनों गोड्डा ने उठा के लेट जा। हाँ यो है डंबल उठाने का तरीका, ठीक है। अब जितनी ज़्यादा रेपिटेशन हो सके ना उतनी ज़्यादा रेपिटेशन मार, और वार्म अप में ज़रूरी नहीं है आप प्रॉपर फॉर्म में एकदम ही, आप नॉर्मल वार्म अप करो, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चेस्ट पे ध्यान दो कि अच्छे से गर्म हो जाए, फिर आप बढ़िया से अच्छी फॉर्म में, और बढ़िया वर्कआउट आज इसका होने वाला है मेरे साथ। वर्कआउट इसने बहुत किया है मेरे साथ, बट मैंने इसको नहीं करवाया कभी कि मैं इसका प्रॉपर वर्कआउट कराऊं कि कैसे वर्कआउट करते हैं बॉडी बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ ये 10-10 किलो के डंबल वार्म अप के लिए। तो गाइज ये है हमारी पहली एक्सरसाइज चेस्ट वर्कआउट की, जहाँ पर मैं कर रहा हूँ ये डंबल प्रेसेस, और मैंने 20-20 किलो के डंबल लिए हैं। पहला सेट 5 सेट लगाऊंगा, और बहुत सारे लोग पूछते हैं भाई कितनी रेपिटेशन लगानी चाहिए। जब तक आपकी चेस्ट में ऐसा फील ना हो ना कि जल गई है चेस्ट अंदर से, एकदम ऐसा पंप फील होना चाहिए कि अब तो भाई चेस्ट में आग निकल रही है, तब तक मारो। तेरी बारी अब है ना, पैर टाइट कर, पूरे टाइट कर ले, ठीक है। पैर आप इतना जोर लगाइए, अब शोल्डर ने नीचे कर, नहीं हाँ नीचे, एक ऊपर था, ऊपर था, देख ये गलत है, और नीचे कर, ये सही है। अब लगा, और डंबल को थोड़ा नू मोड़, ए नू देख नेचुरल, ठीक है, एकदम लगा, स्लो नीचे ला स्लो, और एकदम ऊपर ला, ऊपर पूरा ऊपर, पूरा ऊपर चल। हाँ मिला। जितना ज्यादा स्लो मोशन रखेगा ना उतना ज्यादा चेस्ट पर फर्क पड़ेगा। स्लो नीचे लेके जा और ऊपर, स्लो नीचे ऊपर मार। So I'll end up dying slowly. तो अभी हम कर रहे हैं यहाँ पर लास्ट एक्सरसाइज जो है पुशअप्स, और पुशअप्स कैसे लगाते हैं चेस्ट ग्रोथ के लिए वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ यहाँ पर 15-15 किलो के डंबल, इनसे पुशअप्स कैसे लगाए चेस्ट ग्रोथ के लिए वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइस देखो होता क्या है, जब आप
इस तरीके से पुशअप्स लगाते हो ना, जैसे हाथ आपके नीचे है, अप अप, तो ना तो पूरा स्ट्रेच हो पाता है ना पूरा स्क्वीज हो पाता है। अगर आपको ज्यादा स्ट्रेच और स्क्वीज करना है, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है डंबल लो, डंबल को यहां से पकड़ो एकदम टाइट, जितना टाइट हो सके, ठीक है, स्ट्रेट पूरा नीचे, ये देखो स्ट्रेच हो गया पूरा, एंड स्क्वीज चेस्ट पूरा स्क्वीज नीचे एंड स्क्वीज स्क्वीज। ये बहुत मुश्किल होती है नॉर्मल पुशअप से, तो अगर आपसे ये नहीं लगती है तो नॉर्मल पुशअप्स लगाएं। So I've come to the conclusion, just a rotten piece of fruit. So I'll end. अब ये पुशअप्स मारेगा तो आपको पता चल जाएगा कितना डिफरेंस होता है नॉर्मल पुशअप्स और इन पुशअप्स में। दर्द कोई ना चल रहा था, कोई बात नहीं, पर मार के देख। ले भाई ये होता है बढ़िया वर्कआउट करने का नतीजा, लास्ट एक्सरसाइज से लगी नहीं रही है। मेरा जो भी सेट खत्म होता है ना, उसके बाद जब मैं से स्क्वीज करता हूँ ना जितना टाइट, तो ब्लड फ्लो उतना तेज होता है और मसल उतनी बढ़िया ग्रो होती है। तो जो एकदम ये स्क्वीज होता है ना होल्ड करना, इससे ना ब्लड फ्लो बढ़िया होता है, और ब्लड फ्लो बढ़िया होगा पंप बढ़िया आएगा, पंप बढ़िया आएगा मसल और ज़्यादा बढ़िया ग्रो होगी। मेरे भाई की आज हालत ख़राब है, इसके लिए बहुत है, ठीक है, मैं नहीं चाहता ज़बरदस्ती से इतना करा दूँ मैं कि इसको यहाँ से घिसाड़ के ले जाना पड़े हाथ पकड़ के, ठीक है। चलो आज लेग्स वर्कआउट नहीं है, लेग्स वर्कआउट होता फिर तो ये पता नहीं उतरता कैसे आज, बट लेग्स वर्कआउट भी आएगा वो आप लोग देख लेना। बाकी गाइस ये आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, एक सेकंड लगेगी, आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि जो लोग समझना चाहते हैं, जो लोग सीखना चाहते हैं कि बढ़िया बॉडी बनाने के लिए वर्कआउट कैसे होता है, अगर आप चाहते हो मैं पूरी सीरीज़ बनाऊं, जैसे आज मैंने चेस्ट वर्कआउट किया, अगर आप चाहते हो मैं पूरी सीरीज़ बनाऊं, तो वीडियो को लाइक कर दें, एक सेकंड लगेगी, लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाल कलर का बटन है साढ़ बन जाओ तोड़ दो, सब्सक्राइब होना चाहिए, सब्सक्राइब बटन के साथ में आपको एक घंटा मिलेगा उसको जरूर दबाएं, ताकि जब भी आपका भाई वीडियो अपलोड करे सबसे पहले आपको पता चले कि भाई की वीडियो आ गई है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, सेम अकाउंट है रोहित फिटनेस के नाम से, जैसे यहाँ पर आप लोग सपोर्ट दिखाते हो अपने भाई को, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, सपोर्ट दिखाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे। टिल नॉट पीस गेंस।